हेलो फ्रेंड, आपकी अपनी चैनल हम हैं अच्छे अच्छे पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आपको ये 12 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं तो हम मान सकते हैं कि आप पढ़ाई करते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किए गए अध्ययन में कहा गया है कि वर्ष 2025 तक मशीनें मनुष्यों की तुलना में अधिक काम करेंगी। दोस्तों, इसके लिए आपके पास सिर्फ 3 सेकंड है। 3 सेकंड में जल्दी ही आंसर चॉइस करें। दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका यही आंसर होगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में ऑड इवेन स्कीम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दोपहिया वाहनों एवं महिलाओं को छूट प्रदान की है। जल्दी से दोस्तों इसका आंसर चॉइस करें। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में यह दावा किया है कि वर्ष 2025 में शिशु मृत्यु दर पिछले 5 वर्षों में सबसे कम दर्ज की गई है। जल्दी से दोस्तों चॉइस करें अपना आंसर। दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, संयुक्त राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सरकार द्वारा 3 बैंकों के विलय होने की घोषणा की, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा तीसरा बैंक कौन सा है? दोस्तों, तीसरा बैंक कौन सा है इनमें, चॉइस करें जल्दी। दोस्तों, इसका तीसरा बैंक होगा, वो होगा विजया बैंक। कौन दोस्तों? विजया बैंक होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन को निम्नलिखित में से किसने खरीदा है? जो टाइम मैगजीन है, इसको किसने खरीदा है? जल्दी से चॉइस करें अपना आंसर दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मार्क बेनियोफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए छठवां, किस देश के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वहाँ की कुल जनसंख्या में 28.1% बुजुर्ग शामिल हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक हैं? अपना आंसर चॉइस करें दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जापान। जापान में कुल जनसंख्या के 28.1% बुजुर्ग शामिल हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों जापान। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ जारी ट्रेड वार के बीच 200 अरब मूल्य के चीनी उत्पादों पर कितने आयात शुल्क लगा दिया है? कितना शुल्क लगा दिया है दोस्तों? इसका आंसर चॉइस करें। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 10%। ऑप्शन नंबर एक, इसका करेक्ट आंसर होगा 10%। अगला क्वेश्चन आठवां है दोस्तों, निम्न में से किस देश ने पहली बार विवादित दक्षिण चीन सागर में पनडुब्बी अभ्यास किया है? दक्षिण चीन सागर है, उसमें पनडुब्बी अभ्यास किस देश ने किया है दोस्तों? इसका आंसर चॉइस करें आप। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जापान। जापान इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत और सर्बिया के डाक विभाग ने संयुक्त रूप से किसे समर्पित डाक टिकट प्रकाशित किया है? आंसर चॉइस करें आप। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद और निकोला टेस्ला। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फिलीपींस और किस देश में तबाही मचाने के बाद तूफान
मांगखूंट चीन में पहुंच गया है, ये तूफान चीन में पहुंच गया है किस देश में तबाही मचाने के बाद? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों चॉइस करें आप, इसका करेक्ट आंसर होगा हांगकांग दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा हांगकांग। अगला दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण के तहत वर्ष 2017-18 में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है? दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कौन सा राज्य है जो सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है सड़क बनाने के मामले में। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों चॉइस करें आप, इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड, ये सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है दोस्तों। अगला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर 2018 को किस शहर में 550 करोड़ रुपए से अधिक लागत के परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया है? ऑप्शन जल्दी से चॉइस करें आप, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए वाराणसी, वाराणसी है जिसने 550 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, हमारे चैनल हम हैं अक्षय अक्षय पर आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की मदद से कुछ मिल रहा है तो आप अपने दोस्त तक भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।